मेरा नाम एके जायसवाल, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस। सर क्या कुछ हुआ जी? दिल्ली फायर सर्विस असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर। कैसी आग लगी थी सर यहाँ पे? एक ग्राउंड फ्लोर पे आग लगने की सूचना मिली थी, 12:02 की कॉल आई है। चार गाड़ियाँ सीन पे आई हैं, आते ही आदमी को निकाला और आग बुझाती है। और अभी सर्च किया है, सर्च करने के बाद अंदर तो कुछ फंसा नहीं है, फिर भी अभी सर्च कर रहे हैं। अगर बात करें सर दुकानों की, किस तरह की दुकानें थी जिसमें आग बहुत जल्दी बढ़ी है? ये मटेरियल तो होता ही आपका दुकान में, आपको पता है जलने वाला, बाकी हमने आग पर काबू पा लिया। कितने लोग हैं जो? और सर कुछ इंजर्ड भी हुए हैं क्या है? नहीं, अभी तो बता रहे हैं, दो लेडीज थी, वो वैसे सदमे में है, कोई चोट चाट नहीं है, उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया हॉस्पिटल में, लेकिन चोट नहीं है किसी। सर बताया जा रहा है कि ऊपर से भी कुछ लोगों को थर्ड फ्लोर से कुदाया गया है गद्दों के सहारे किया गया है। आप जब धुआं जब ग्राउंड फ्लोर का ऊपर गया है तो धुएं के कारण ये लोग परेशान रहते हैं, तो उसके कारण रेस्क्यू किया गया और सदमे में उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। अभी बात करें करंट की तो क्या सिचुएशन है सर? अभी टोटली बिल्डिंग में जो आग है टोटली बुझ गई है और हमने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं। फर्स्ट सेकेंड फ्लोर के बिल्डिंग बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर है, सारे कमरों को सर्च कर लिया है वन बाय वन, कहीं कोई कैजुअल्टी नहीं है, आग पूरी तरह बुझ गई है। कितनी देर में सर आग पे जो काबू पाया गया था? आग लेकिन हाफ एन आवर काबू पा लिया गया। कॉल कहाँ की थी सर? पूरी कॉल कहाँ की थी? ये कॉल जहांगीरपुरी के एरिया की है, गली नंबर 8 स्वरूप नगर की कॉल है। सर अपना फायर स्टेशन? ये लोकल फायर स्टेशन आता है इसका जहांगीरपुरी। महेंद्र जी क्या हुआ था यहाँ पे? वैसे यहाँ पे अग्नि शॉट हुई थी, 8 बजे धुआं हुआ था हल्का सा। हाँ। उसके बाद नीचे दुकान है उसकी, कपड़ों की, परचून की, बिंदी वगैरह की, तो उसमें अग्नि शॉट हो गई, उसका धीरे पूरे घर में फैलती चली गई वो। अब धुआं इतना हो गया कि लोगों ने पड़ोस में देखा तो उन्हें बताया काफ़ी आग फैल रही है। तो आपने भी उसमें आग में हिस्सेदारी ली, आपने भी बचाया लोगों को, क्या कुछ हुआ था उस टाइम? देखा साथ वाले घर से रास्तों पर जाने के लिए। हाँ। तो मैं साथ वाले घर से गया, फिर साथ वाली बिल्डिंग में कूदा, वहाँ से 3 बच्चे 2 औरतें निकाल के लाए थे बस। अच्छा, और लोगों कुछ लोगों को ऊपर से भी कुदाया गया था बता रहे हैं? कुछ लोगों नीचे कुदाया गया ताकि उनको उनसे चलाया जा रहा था। हाँ। गद्दा बिछा के चादर बिछा के उनसे बचाया। फायर और पुलिस कितनी देर बाद आई थी गाड़ियाँ? 20 मिनट में आ गए, तो 20-25 मिनट बाद। 20-25 मिनट बाद आ गए। अभी क्या स्थिति है? अब सबको नॉर्मल है, किसी को चोट नहीं लगी, एक हल्की सी में चोट लगी बस, बाकी सब ठीक है, बाकी लोग हॉस्पिटल गए हैं। हाँ जी। और ये कहाँ पे हुआ था पूरा मामला? ये जो ये स्वरूप नगर है, बी ब्लॉक धर्मशाला रोड पे हुआ था। धर्मशाला रोड पे ये ताऊजी का मकान, इसमें हुआ था। अच्छा, तो अगर मान लो आग अगर कहीं फ्लोर पे लगती तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है? अभी वो साथ वाली बिल्डिंग में नुकसान होता, गैस के सिलेंडर थे वहाँ पे, वो फटने से बच गए, पानी लग के बच गए सारे, पाइप गिरने का भी आपको अपने इसमें कंट्रोल में कर लिया था। मेरा पवन यादव है। पवन जी क्या हुआ था यहाँ पे? आग लगी है ऊपर से, पूरी बिल्डिंग में फैल गई है, ऊपर से बंदे कूदे हैं, तब जाके उनकी जान बची है। किस तरह से उनको कुदाया गया है? नीचे चद्दर पकड़ के, तकिया पकड़ के, सोफा लगाया गया नीचे, तब कुदाया ऊपर से। तो किसी को इंजरी भी हुई है, चोट उठाई है? 2 जनों को हल्की उनकी चोट आई है ऊपर से कूदने से। तो जिनको चोट आई वो कहाँ गए? हॉस्पिटल लेके गए पुलिस वाले। पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पहुँची थी? पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट बाद आई, आधा घंटा लग गया। और फायर तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद आई। और बात करें तो ये आग कैसे लगी थी यहाँ पे, कुछ आइडिया? आग का कुछ पता नहीं कन्फर्म, बाकी शॉर्ट सर्किट की। कितने मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी है? 4 मंजिला
पाँच मंजिला बिल्डिंग है। और एक किस एरिया में लगी है आग? ये स्वरूप नगर ए ब्लॉक में लगी है, धर्मशाला रोड में। गली नंबर? धर्मशाला रोड पे है। कितने देर बाद जो है आग पे काबू पाया गया था? आग पे तो अभी पाया जा रहा है, बाकी कहाँ काबू पाया गया है चली रहा है अंदर, पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, अभी कन्फर्म नहीं है पूरा। तो कहीं ना कहीं दुकान नीचे होने की वजह से उसमें बचाव हुआ है, नहीं तो अगर कहीं ये आग घर में होती तो बड़ा हादसा हो सकता। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा होता। दुकान की वजह से ये है कि नीचे आग लगी है, तब बचाव भी हो गया, बंदों को पहले बार चल गया, सब कूद भी गए, चले गए, ऊपर वाले कूदा दिए गए, वो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग वाले सात वाली बिल्डिंग में कूद गए तब बचे जाके। इधर से जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखते हैं या फिर कुछ काम भी करते हो?